तो भाई एक सेल गई एंड दूसरी आने वाली है, इनका सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन हमने इस चीज पे ध्यान देना है कि एक्चुअल में सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा अंडर 40,000 रुपीस एंड इतने सारे ऑप्शंस में से भाई मेरे लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा रहेगा। बिकॉज मान लो ये वीडियो एक स्टूडेंट देख रहा है, भाई उसने ग्राफिक कार्ड का क्या करना है, चार्ज डालना है क्या? स्टूडेंट को तो अपने लैपटॉप के अंदर बढ़िया सा बैटरी बैकअप चाहिए, परफॉर्मेंस के साथ ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए ताकि अगले 4-5 साल तक बंदा आराम से अपना लैपटॉप तो चला सके। एंड एक और चीज है, एक स्टूडेंट का लैपटॉप ऐसा होना चाहिए जिसे कहीं पे भी कैरी कर सके, राइट। एंड दूसरा बंदा मेरी तरह बैठा है क्रिएटर, भाई क्रिएटर के लिए गेमी लैपटॉप ही होना चाहिए। लेकिन भाई जो गेमी लैपटॉप की मिसकंसेप्शन चल रही है ना कि इसके ऊपर तो सिर्फ गेम्स चलती हैं, इस पे कंटेंट क्रिएशन नहीं होगी, उसके लिए क्रिएटर सीरीज का लैपटॉप लेना पड़ेगा, भाई सबसे बड़ी गलती करोगे। ग्राफिक कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन के लिए अगर आपने तगड़े वाले काम करने हैं। एंड भाई इसके बाद भी प्रोसेसर कौन सा लेना चाहिए, इंटेल वाला, राइजन वाला, रैम कितनी होनी चाहिए, एक्सपेंडेबल लूं या फिर ना लूं, स्टोरेज कितनी चलेगी भाई मेरे को। मुझे पता है यार कंफ्यूजन तो बहुत ज्यादा होती है लैपटॉप बाय करने से पहले, तभी तो आपका भाई आपके लिए वीडियोस बनाता है। उन सभी क्वेश्चंस का सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर आपको हल मिल जाए। तो चलो फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो का। सबसे पहला लैपटॉप है मेरा फेवरेट लैपटॉप डेल 14 वॉस्ट्रो 3420, 35,000 रुपीस लैपटॉप का एक्जैक्टली करंट प्राइस है। देखो ये लैपटॉप उनके लिए जो अपने बजट को ना ज्यादा पुश नहीं कर सकते, अपने 40 या फिर 42,000 रुपीस नहीं इन्वेस्ट करने अपने लैपटॉप के ऊपर, बट आपको लैपटॉप एकदम ही तगड़ी परफॉर्मेंस वाला चाहिए, देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। देखो यार सिल्वर कलर के अंदर कितना सुंदर लगता है लैपटॉप, वैसे लुक्स एकदम ही प्रोफेशनल है। i3 का 12-15 यू प्रोसेसर दिया गया, 12 जनरेशन का, कोई भी पुराना प्रोसेसर नहीं है, बढ़िया से आपके सारे काम हैंडल कर लेगा। 8GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD है, बोथ आर एक्सपेंडेबल। एंड इस लैपटॉप की जो बॉडी मटेरियल है वो पॉलीकार्बोनेट है। एंड इसके अंदर में प्राइवेसी शटर कैमरा भी मिल जाएगा। एंड अपना लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, फ्रॉम 0 to 60% इसकी जो बैटरी है ना वो 49 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे तक आपको बैटरी बैकअप मिलेगा फुल चार्ज होने के बाद। एंड इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले मिलती है वो मिलती है 14 इंचेस की फुल एचडी WB एंटीक्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगी। 60Hz का रिफ्रेश रेट है इसकी डिस्प्ले के अंदर, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। अगर आपने इसका डेडिकेटेड रिव्यू चेक करना तो जाके ये वाली वीडियो चेक कर लो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा एंड चैनल पे भी सर्च कर सकते हो। भाई मैंने इसके ऊपर गेमिंग करके देखी है, एडिटिंग करके देखी है, कभी कभी अगर आपने ओकेजनली गेम्स खेलनी है वो चीज भी पॉसिबल है। एंड एडिटिंग की तो भाई परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया मिल जाती है ना, आई वाज टोटली शॉक्ड कि भाई 12-15U वाला लैपटॉप इतनी तगड़ी एडिटिंग परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है। इंटेल के USD ग्राफिक्स, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। तो बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, हाईली रिकमेंडेड आपके लिए, एंड ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है 35,000 रुपीज का। लेकिन अभी आपने लैपटॉप बाय नहीं करना, एक चीज समझो पहले, इसी लैपटॉप का आपको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ, HP का लैपटॉप 14S। ध्यान से देखो इन दोनों लैपटॉप के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है, दोनों के अंदर आपको सेम रैम मिलती है, सेम स्टोरेज मिल जाती है, सेम प्रोसेसर है, सेम डिस्प्ले साइज है, सेम ग्राफिक्स एंड सेम आपको MS ऑफिस मिल जाएगा। मतलब कि इतने बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ ये लैपटॉप आ रहा है ना, दूसरे ब्रांड ने भी कॉपी पेस्ट कर दिया। आपको इनमें से जो भी ब्रांड बढ़िया लगे ना, जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, HP का 15S लैपटॉप बताता हूं आपको, 37 या फिर 38,000 के आसपास हमें लैपटॉप मिलता है ये वाला। एंड इसके अंदर में बिल्ट इन अलेक्सा की सपोर्ट मिल जाती है, बैकलिट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाती है। अब इसके अंदर में हमें सेम प्रोसेसर दिया गया 12-15U, लेकिन एक चीज का फर्क है कि ये जो लैपटॉप है ना अपना, ये फुल साइज डिस्प्ले के साथ आता है, 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इससे पहले वाले जो हमने दोनों लैपटॉप चेक किए ना उनके अंदर में 14 इंच की डिस्प्ले मिलती थी, बट ये फुल साइज डिस्प्ले के साथ है। तो बेसिकली अगर आपको बड़े डिस्प्ले साइज में लैपटॉप चाहिए उसका भी ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। 8GB की रैम, 512GB की SSD, इंटेल के USD ग्राफिक्स, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा, सारी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ ही अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दिया गया। तो ये भी लैपटॉप हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप, आप इसे भी जरूर कंसिडर कर सकते हो। देखो ये लैपटॉप एक्चुअली में ऐसा लैपटॉप है जिसे आप बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर लो, परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। बट वेट, ASUS YOBOK 16 लैपटॉप, स्पेसिफिकेशन कंप्लीटली सेम है, बट इसका जो डिस्प्ले साइज है ना वो आपको मिल जाता है 16 इंचेस का, यानी कि अगर आपने एडिटिंग वाले काम करने है ना, आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए होगी तो 16 इंचेस की डिस्प्ले आपके लिए बेस्ट है। सेम स्पेसिफिकेशन के साथ अगर आपको बड़ी डिस्प्ले साइज में लैपटॉप चाहिए, सबसे बड़ी डिस्प्ले साइज में, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बाकी सब कुछ आपको कंप्लीटली सेम मिल जाएगा जो कि HP 15S लैपटॉप के अंदर में मिल जाता है, गो फॉर इट। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 लैपटॉप बताता हूँ। Acer Aspire Lite लैपटॉप है, HP 15S लैपटॉप है, Lenovo का IdeaPad 1 लैपटॉप है। सबसे पहले इन तीनों के स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं। तीनों के अंदर हमें Ryzen 5 प्रोसेसर मिलता है 5500U। अब Ryzen वाला मॉडल आ गया ना, सबसे पहले एक चीज चेक करते हैं कि जो 5500U प्रोसेसर है ना वो बाकियों के कंपैरिजन में कैसी परफॉर्मेंस देता है। 40,000 के बजट के अंदर हमें जो बाकी AMD के प्रोसेसर मिलते हैं, 5300U हो गया, 5425U हो गया, 7320U हो गया, 7520U हो गया, सभी के साथ कंपैरिजन आपके सामने, ये जो 5500U प्रोसेसर है ना भाई, ये ऐसा प्रोसेसर है आपके सारे काम ये लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेगा। थोड़ा पुराना प्रोसेसर है लेकिन आज की डेट में भी वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है आपको इसके अंदर। एंड मजे की बात पता है क्या है, तीनों के अंदर आपको 16GB की रैम मिल जाती है, तीनों के अंदर आपको 512GB की SSD मिल जाती है, 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, AMD की रेडियन ग्राफिक्स, MS ऑफिस आपको मिलता है दो लैपटॉप के अंदर, HP 15
Office एंड Lenovo IdeaPad 1 के अंदर, बट Acer Aspire Lite के अंदर आपको MS Office नहीं मिलता। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर हमें क्यों नहीं मिलता। एंड तीनों के अंदर हमें 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अब चेक करते हैं तीनों की प्राइसिंग। देखो Acer वाला जो लैपटॉप है वो 34,000 रुपीज में मिलेगा, HP वाले का प्राइस है 41,000 रुपीज एंड Lenovo का प्राइस है 39,000 रुपीज। जस्ट बिकॉज ऑफ MS Office, HP एंड Lenovo, इन दोनों का प्राइस ज्यादा है। अगर तो आपके लिए MS Office मैटर करता है, HP या फिर Lenovo वाला लैपटॉप बाय करना। अगर आपको सेम स्पेसिफिकेशन के साथ MS Office नहीं चाहिए अपने लैपटॉप के अंदर, Acer Aspire Lite लैपटॉप बाय कर लो। ये तीनों ही लैपटॉप वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। परफॉर्मेंस आपको तीनों के अंदर बिल्कुल सेम मिल जाती है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का फर्क है। इस चीज को आपने समझना है, ओके। तीनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे बढ़ते हैं, HP का लैपटॉप 15 बताता हूं आपको। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड इसके अंदर आपको लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है। भाई सबसे पहले 40,000 रुपए करंट प्राइस है, प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा। थैंक्स टू HP फॉर दिस के इस बजट सेगमेंट के अंदर भी उसने फाइनली प्राइवेसी शटर कैमरा देना स्टार्ट कर दिया है। बिल्ट इन Alexa की सपोर्ट मिल जाती है जो कि HP के ऑलमोस्ट हर एक लैपटॉप के अंदर आपको मिलती है। i3 का 13-15U प्रोसेसर है, जो वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले लैपटॉप चेक किया ना 12-15U वाले, ये उसका नया वाला मॉडल है। तो ऑब्वियसली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। अब ये कितनी मिलती है, रफली 6-13% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें 13-15U के अंदर मिलती है। एंड प्राइस के अंदर ऑब्वियसली थोड़ा फर्क है, 12-15U वाले आपको 35-36,000 के अंदर मिलते हैं एंड इसका प्राइस 40,000 रुपए है, बट परफॉर्मेंस आपको इसकी ज्यादा बढ़िया मिलेगी। 8GB की रैम, 512GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। एक चीज है कि ये लैपटॉप आपको दोनों डिस्प्ले साइज के अंदर अवेलेबल मिलता है। 15.6 इंच के अंदर भी फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है आपको, 14 इंच के अंदर भी फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। सो बेसिकली आपको जो भी डिस्प्ले साइज में लैपटॉप चाहिए आप इन दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो। इंटेल की USD ग्राफिक्स MS Office लाइफटाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। सारी नेसेसरी पोर्ट्स लैपटॉप के अंदर आपको मिल जाती है, जरूर कंसीडर करो इन लैपटॉप्स को। मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि अगर आपको इंटेल का लैपटॉप चाहिए ना, तो 40,000 के अंदर इंटेल का ये सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, सबसे तगड़ी आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है। इससे बढ़िया आपको इंटेल का कोई प्रोसेसर नहीं मिलता 40,000 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको एक ऐसा लैपटॉप बताता हूं जो कि Ryzen का सबसे तगड़ा लैपटॉप है, Lenovo ThinkBook 15G5। 41,000 रुपए लैपटॉप का करंट प्राइस है। इसका रिव्यू बहुत ही जल्दी आने वाला है चैनल पे। उसके लिए आपने एक चीज करनी है कि चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। भाई लैपटॉप के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, प्राइवेसी शटर कैमरा मिलता है, टॉप लिड मेटल की मिलती है, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है एंड सोने पे सुहागे वाली बात है उसकी मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, यानी कि लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड है। अगले 4-5 साल तक तो अपना लैपटॉप कहीं नहीं जाने वाला, इतना ट्रस्ट कर सकते हो इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। एंड एक बहुत ही बढ़िया चीज है, इसके अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग मिलती है, ठीक है। तो Ryzen 7 प्रोसेसर है, 7730U, लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 8 कोर 16 थ्रेड्स एंड लिटरली गाइस Ryzen का सबसे तगड़ा प्रोसेसर यही वाला मार्केट के अंदर। 41,000 रुपीज अगर आप दे रहे हो ना, इससे ऊपर आपको Ryzen के अंदर कोई प्रोसेसर नहीं मिलने वाला, ये चीज तो पक्की है। 8GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD, 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC, AMD के रेडियन ग्राफिक्स है। अब ये जो लैपटॉप है ना, ये रैपिड फास्ट चार्जिंग प्रो को सपोर्ट करता है, यानी कि 50% बैटरी आधे घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। बाकी सारी नेसेसरी पोर्ट्स भी आपको इसके अंदर मिल जाती है, तो हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। आंखें बंद करके आप इसे बाय कर सकते हो, गो फॉर इट, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब एक चीज है, देखो इंटेल का सबसे बढ़िया लैपटॉप मैंने आपको बता दिया HP लैपटॉप 15 एंड Ryzen का भी सबसे बढ़िया बता दिया Lenovo ThinkBook 15। अब मैं आपको बताता हूँ गेमिंग लैपटॉप Lenovo IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप। भाई इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो है 45,000 रुपीज, बट इस लैपटॉप का जो लोअर सेलिंग प्राइस गया आज तक वो गया अराउंड 43,500 के आसपास। अगर आप 2-3 हजार रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप मिल जाएगा जिसके ऊपर आपकी कभी कभी गेम्स भी चल जाएंगी। अगर आपने एडिटिंग वाले काम करने हैं, हैवी सॉफ्टवेयर रन करने हैं, ये सारे काम इस लैपटॉप के ऊपर आप बिल्कुल बिंदास होकर कर सकते हो। Ryzen 5 प्रोसेसर 5500H, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया। हैवी काम करने के लिए यही सीरीज का प्रोसेसर चाहिए होता है। ई कैमरा सेटर के साथ ही Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए। बैकलिट कीबोर्ड है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ ही 8GB की रैम, 512GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। अब इसके अंदर में जो डिस्प्ले मिलती है ना, वो प्योरली गेमिंग डिस्प्ले है, क्योंकि 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 350 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। भाई लैपटॉप के अंदर ना हमें RTX 2050 ग्राफिक कार्ड मिलता है। इससे ये चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर कि आपने अब 1650 के ऊपर तो बिल्कुल क्रॉस कर देना है। कोई भी लैपटॉप आपको GTX 1650 ग्राफिक कार्ड के अंदर मिल रहा है ना, भाई उसे तो लेना ही है। मिनिमम अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लो कि कम से कम, जितना मर्जी कम बजट है, गेमिंग लैपटॉप लेना या फिर एडिटिंग वाले हैवी काम करने हैं, RTX 2050 तो मस्ट है। एंड इसकी TGB भी तगड़ी है, 70W TGB वाला ग्राफिक कार्ड है। सारे गेमिंग स्कोर्स भी चेक कर लो, चाहे GT5 की बात करें, स्नाइपर लाइट की बात करें, Battlefield 5 होगी या फिर World War Z होगी, सभी के स्कोर्स आपके सामने है, सभी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेबल है। तो बिंदास होकर आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, जो कि गेमिंग लैपटॉप के अंदर बहुत ही तगड़ी चीज है। 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। जरूर कंसीडर करो इस लैपटॉप को, हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, गो फॉर इट। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है 40,000 से रिलेटेड किसी लैपटॉप के ऊपर, या फिर आपने दूसरे किसी भी बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है, तो हर एक बजट की वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। एंड जितने भी लैपटॉप मैंने आपको इस वीडियो के अंदर
बताई है ना, सभी सबसे बढ़िया ऑप्शन है इस टाइम पे। इनसे ऊपर आपको कोई भी लैपटॉप मार्केट के अंदर नहीं मिलने वाला अकॉर्डिंग टू इट्स बजट। गो फॉर इट, लैपटॉप बाय करो, मजे करो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।